These are the scenes of rampant sand mining on the Yamuna River during the COVID-19 lockdown. A river is not just flowing water. The sand forms a vital ingredient. Unsustainable extraction of sand affects the river's natural course and damages riverine biodiversity and livelihoods. Sand mining has always plagued the Yamuna along its journey spanning thousands of kilometers across multiple states. But during the COVID-19 lockdown, mechanized mining violated several environmental norms on the Haryana-Uttar Pradesh border. लीगल इलीगल दोनों तरह की माइनिंग वहाँ हो रही है. लीगल भी नदी को काफ़ी नुकसान पहुँचा रही है क्योंकि उसमें जो पैरामीटर्स है, जो कंडीशंस है एनवायरनमेंट क्लियरेंस या कंसेंट के, वो प्रॉपर फॉलो नहीं किए जा रहे हैं. तो अगर हम पर्टिकुलरली बात करें दिल्ली के आसपास NCR एरिया की, क्योंकि नेशनल कैपिटल रीजन में काफ़ी कंस्ट्रक्शन का बूम है, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर सैंड की आवश्यकता यहाँ होती है. ऐसे में ये जो भरपाई है सैंड की, क्योंकि इसको प्रॉपर रेगुलाइज नहीं किया जा रहा है और इसको इलीगल तरीके से सैंड माइनिंग के माध्यम से इसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे उसका नुकसान नदी के ऊपर सीधा आ रहा है. एक्सेसिव सैंड माइनिंग इरोड्स रिवर बैंक्स, एग्रेवेट्स फ्लड्स एंड डिप्लीट्स ग्राउंड वाटर टू. फार्मर्स हु लिव एंड कल्टीवेट लैंड नियर द रिवर अप्रोच्ड द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट अर्लियर दिस ईयर. While the courts restrained the contractors, locals say that the mining continues. जिसकी जमीन जो है यमुना के किनारे है और यहाँ दिक्कत यह है जी, अवैध खनन जो है यहाँ पूरा जोरों पर है. यमुना की धार को बिल्कुल खोद के रख दिया है और यहाँ पर छोटी मशीनों के बजाय बड़ी बड़ी पोप लाइना जो के खनन के काम में लगी हुई हैं और यहाँ पर जो जलीय जीव थे, पशु पक्षी, यहाँ इनका नामो निशान ख़त्म हो चुका है. और ये जो खनन विभाग के आदमी हैं, ये हमें धमकियाँ देते हैं किसानों को, छोटे छोटे गरीब लोगों को, कहें यहाँ से भाग जो, जो इनको रोकने के लिए आते हैं क्या अवैध खनन मत करो, ये हमें मारने तक की धमकियाँ दे देते हैं. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सेप्टेड दैट द लाइसेंस्ड माइनर्स आर वायोलेटिंग द नॉर्म्स. S. Narayanan, Member Secretary of Haryana State Pollution Control Board, told Mongabe India, "The board has observed violation of environmental norms done by the licensed mining agencies in Yamuna River and has initiated action against the violators. Some of the mining agencies have made temporary structures for the movement of vehicles carrying mined material and this may change the course of the river and will affect the river biodiversity." It provides stability to the river system. It provides habitats to various life forms. For example, nesting sites to crocodiles and turtles, nesting sites for birds, wetlands in the floodplains, which are sand, acts as a nursery for various kinds of fishes. And above everything else, sand in the river is the best source of groundwater recharge. The river with sand is almost perennial. It is flowing because sand is water. It has water within it. And the river without sand dries very soon. देश के किसी भी हिस्से में जहाँ जहाँ सैंड माइनिंग हो रही है वहाँ एक भय का माहौल रहता है. तमाम जो लोकल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, इवन एडमिनिस्ट्रेशन या NGT या तमाम जो कोर्ट की टीम है, उनको भी एक तरह का डर ऐसा देखने में आया, एक डर होता है. उनको भी पुलिस प्रोटेक्शन के साथ वहां पर जाना होता है, जबकि वो भी हमारे देश का हिस्सा है, वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारी नदियाँ हैं. आज वहाँ जाना इतना मुश्किल क्यों हो गया, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब वहाँ जाना ही इतना मुश्किल है तो ऐसे में उसको रोकना कितना घातक होगा.